नमस्कार, जय श्री जगन्नाथ। इस समय हम उड़ीसा के श्री जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा पर हैं, जो कि भगवान विष्णु के चार धामों में से एक धाम कहलाता है। आज के एपिसोड में हम आपको जगन्नाथपुरी किस तरह से पहुंचा जाए, यहाँ मंदिर के अंदर किस तरह से आपको दर्शन करने हैं, मंदिर दर्शन करने के बाद यहाँ का जो प्रसिद्ध प्रसाद है, भोग प्रसाद है, उसके बारे में बताएंगे, श्री जगन्नाथ धाम में रहने की व्यवस्था, उड़ीसा के स्थानीय व्यंजनों का जायका, और अंत में जगन्नाथपुरी के पास में मुख्य तीर्थ स्थलों के दर्शन भी करवाएंगे। सबसे पहले जगन्नाथपुरी धाम तक पहुंचा कैसे जाए। जगन्नाथपुरी धाम तक पहुंचने के लिए आपको अगर रेल मार्ग की बात की जाए तो पुरी में ही आपको रेलवे स्टेशन मिलेगा। पुरी रेलवे स्टेशन से मंदिर की जो दूरी है वो लगभग 1 किलोमीटर है। अगर आपके राज्य से पुरी तक सीधी ट्रेन नहीं पहुँचती तो जहाँ पर जो दूसरा मुख्य स्टेशन है वो है भुवनेश्वर का स्टेशन। भुवनेश्वर से जगन्नाथपुरी तक आपको बस भी मिल जाती है और आप अपनी प्राइवेट टैक्सी करके भी आ सकते हैं, और आपको 40 से 45 मिनट लगते हैं भुवनेश्वर से जगन्नाथपुरी धाम तक पहुंचने के लिए। नज़दीकी हवाई अड्डा है यहाँ पर, वो है भुवनेश्वर का हवाई अड्डा। अगर आप जगन्नाथपुरी अपने खुद के निजी वाहन से आ रहे हैं तो यहाँ तक पहुँचने के लिए जो सड़क मार्ग है बहुत ही शानदार है। ये तो हो गई बात जगन्नाथपुरी धाम तक पहुँचने की। तो पिछली रात जब हम जगन्नाथपुरी धाम तक पहुँचे हैं तो यहाँ पर रहने के लिए आपको दो तरह की ऑप्शंस मिल जाएंगी। एक तो जो मंदिर के बिल्कुल पास में है, 100-200 मीटर के दायरे में ही आपको बहुत सी धर्मशालाएँ यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर दूध वाला धर्मशाला है, जो कि जगन्नाथपुरी धाम की सबसे प्राचीन धर्मशाला है। वहाँ पर आपको जो रूम मिलेगा वो 500 रुपये से शुरू हो जाता है और 500 से लेकर 700 रुपये के बीच में यहाँ पर आपको नॉन एसी कमरे की व्यवस्था मिल जाती है। जो दूध वाला धर्मशाला है वो मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो दूसरी यहाँ पर जो रुकने की व्यवस्था है वो है जगन्नाथपुरी मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही आपको समुद्र मिलेगा, और समुद्र के बिल्कुल सामने ही यहाँ पर सी फेसिंग होटल्स हैं। लगभग 200 से 300 के करीब वो होटल हैं, आप वहाँ पर भी रुक सकते हैं। और वहाँ तक आपको जब मंदिर के दर्शन करने के लिए आना है तो ऑटो वाले को आप 100 रुपये देकर आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं। हमने जो अपने लिए रूम लिया था वो सी फेसिंग लिया था, समुद्र के किनारे लिया था, मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। तो अब बात कर लेते हैं मंदिर दर्शन की। इस समय जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे ही आपको मंदिर का जो मुख्य गुंबद है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मंदिर दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी में चारों ओर से प्रवेश द्वार है, लेकिन जो मुख्य प्रवेश द्वार है जहाँ से दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते हैं वो है यहाँ का पूर्व द्वार, जिसे कि सिंह द्वार कहा जाता है। मेरे पीछे ही आपको जो द्वार दिख रहा है ये वही द्वार है, सिंह द्वार है। सबसे पहले ये ध्वजा स्तंभ आपको यहाँ पर दिख रही है, यहीं से हम दर्शन करने के लिए आगे जाएंगे। इसके अलावा जो बाकी के 3 द्वार है वो अलग अलग कारणों से बने हुए हैं। जो दक्षिण द्वार है वहाँ से पुजारी जा सकते हैं, जो जगन्नाथ जी का भोग प्रसाद है वो जाता है। तो अभी हम पहले दर्शन करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह से इस मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। तो मंदिर जाने से पहले यहाँ पर आसपास ही आपको मोबाइल लॉकर की सुविधा भी है, आप वहाँ पर इसको सबमिट करवा सकते हैं। 20 रुपये या 15 रुपये लेते हैं आपको पर मोबाइल का, क्योंकि मंदिर में अंदर ना तो मोबाइल ना ही किसी तरह की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है वो अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये सामने जो हमारे दिख रहा है इसे कहते हैं सिंह द्वार, पूर्व दिशा में है जी, यहीं से आपको प्रवेश करना है। और सिंह द्वार के सम्मुख जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इसे गरुड़ स्तंभ नहीं अरुण स्तंभ कहते हैं। अरुण स्तंभ यहाँ पर इसलिए कहते हैं कि ये स्तंभ कोणार्क के सूर्य मंदिर से लाया गया था, जो कि भगवान सूर्य के वाहन चालक हैं, तो इसीलिए इसे अरुण स्तंभ कहा जाता है। इसकी प्रदक्षिणा करके सिंह द्वार को प्रणाम करके द्वार में प्रवेश करने पर आपको दाहिनी ओर पतित पावन श्री जगन्नाथ जी के विग्रह के दर्शन होते हैं। तो मंदिर के बाहर से दूर से ही भगवान श्री जगन्नाथ के इस स्वरूप के आपको दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि मुख्य मंदिर के अंदर केवल हिंदू भक्तों का ही प्रवेश है। तो ये तो हो गया कि मंदिर में जब आपने प्रवेश करना है किस तरह से करना है। अभी हम पहले जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेते हैं और फिर बाहर आकर आपको यहाँ पर कौन कौन से तीर्थ स्थलों के दर्शन करने हैं उसके बारे में बताते हैं। तो अभी जगन्नाथपुरी धाम के दर्शन हमने कर लिए हैं, अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर मंदिर जब आप अंदर प्रवेश करते हैं और मंदिर के बाहर प्रवेश करने से पहले आपको कौन सी मुख्य बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मंदिर अंदर प्रवेश करने से पहले आपको यहाँ पर मेरे पीछे जो झंडा ध्वज दिखाई दे रहा है उसका यहाँ पर विशेष महत्व है। तो इस लहरारे ध्वज की हम आपको 3 विशेषताएं बताते हैं। सबसे पहले ये जो हवा में ये ध्वज लहरा रहा है ये बिल्कुल विपरीत दिशा में लहरा रहा है। वैसे जो समुद्र की तरफ हवा का रुख है लेकिन ये बिल्कुल उल्टी दिशा में है, तो ये पहली विशेषता है।
दूसरी विशेषता, ध्वज के तीन रंग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, लाल, पीला और सफेद। लाल रंग माँ सुभद्रा को दर्शाता है, सफेद रंग बलराम जी को और पीला रंग जगन्नाथ जी का प्रतीकात्मक है। और इसकी तीसरी मुख्य विशेषता कि हर दिन शाम के समय यहाँ पर 4:30 से लेकर 6 बजे के बीच में इस ध्वज को बदला जाता है। तो अभी हम आपको यहाँ पर जो दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ध्वज बदलने की जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वो व्यक्ति ऊपर चढ़ रहे हैं, तो अभी यहाँ पर ध्वज बदला जाएगा। काफ़ी हाइट पे है ये। जब ये ध्वज बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाती है, उस समय जो मंदिर में भी जो श्रद्धालु आए होते हैं, उनका उत्साह भी देखने लायक होता है। इस पूरी प्रक्रिया को लगभग हमने जितना समय देखा, 40 से 45 मिनट लगे और काफ़ी ये ऊंचाई पर था। उसके बाद इसी ध्वज के ऊपर अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो नील चक्र आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जगन्नाथपुरी धाम की दूसरी मुख्य विशेषता है। ये नील चक्र है जो अष्ट धातु से बना हुआ है और इसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी माना जाता है। और इसकी जो खासियत है कि आप जगन्नाथपुरी धाम के किसी भी कोने से इसको देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल सामने से आप इसको देख रहे हैं। ये नील चक्र कई सौ सालों से जगन्नाथपुरी धाम के ऊपर ऐसे ही विराजमान है और इसको किसी भी तरह का कोई भी जंग भी नहीं लगा। जगन्नाथपुरी के इस ध्वज के जो विपरीत दिशा में लहराने का जो कारण है, वो आज हम आपको कल्याण तीर्थांक में जो कथा बताई गई है उस हिसाब से बताते हैं। तो कल्याण तीर्थांक में बताई गई कथा के अनुसार, नारद मुनि जब एक बार भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को मिलने के लिए पूरी धाम में आते हैं, तो दोनों को उदासीन देखकर उनसे उदासीनता का कारण पूछते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु बताते हैं कि समुद्र के शोर की वजह से वो यहाँ पर मंदिर के अंदर विश्राम नहीं कर पाते। तो ये बात नारद मुनि जाकर हनुमान जी को बताते हैं और हनुमान जी इसके उपाय खोजने के लिए सबसे पहले अपने आप को 2 भागों में विभाजित करते हैं और फिर वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर ना जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी आराम से विश्राम करते हैं। यही कारण है कि तभी से मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। इसे शाम के समय तो बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। और उसी के बाद से ही जो ध्वज है यहाँ पर, वो विपरीत दिशा में लहराता है। अश्व द्वार के बाहर ही आपको यहाँ पर बजरंग बली जी का वह मंदिर के दर्शन भी होंगे, जिसे कि यहाँ पर कनपटा मंदिर कहा जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि अंदर मुख्य गर्भगृह में आपको कौन कौन से इष्ट देव के दर्शन होते हैं। श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलराम जी के दर्शन हमें हो चुके हैं, बड़े अच्छे से दर्शन हुए हैं। बड़ा ही आनंदित करने वाला वो पल था। हमें जो समय लगा वो यहाँ पर दर्शन करने का, वो 1.5 से 2 घंटे का हमें समय लगा। यहाँ पर आपको सुभद्रा, भगवान श्री जगन्नाथ और बलराम जी के दर्शन होते हैं। जब आप दर्शन करने के लिए आएंगे तो बहुत ही ध्यान से इन तीनों प्रतिमाओं के दर्शन करें। यहाँ पर श्री जगन्नाथ जी एवं बलराम की प्रतिमाओं में पैर नहीं हैं, सुभद्रा जी की मूर्ति में हाथ और पैर दोनों नहीं हैं, जगन्नाथ और बलराम जी के हाथों में पंजे भी नहीं हैं। तो अभी जो हमने गर्भगृह में मुख्य दर्शन किए हैं, तो वैसे तो आप भारत के किसी भी मंदिर में जब प्रतिमा के दर्शन करते हैं, वो यहाँ तो पत्थर से निर्मित होती है तो यहाँ किसी और अन्य पदार्थ से निर्मित होती है। लेकिन ये उड़ीसा के इस जगन्नाथपुरी धाम में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर आपको जो प्रतिमाओं के दर्शन हो रहे हैं, भगवान श्री जगन्नाथ के, सुभद्रा के, बलभद्र के, ये सभी की सभी जो प्रतिमाएं निर्मित हुई हैं, ये नीम की लकड़ी से निर्मित की जाती है यहाँ पर। और इन प्रतिमाओं को हर 12 साल के बाद यहाँ पर बदला जाता है, उन्हें कलेवर महोत्सव कहा जाता है। इन प्रतिमाओं को बदलने की जिम्मेदारी पुरी के मुख्य पुजारी की होती है, लेकिन उन्हें भी उस समय मंदिर के अंदर पट्टी बांध के जाना होता है। मूर्तियों को बदलने के दौरान पुजारी मूर्ति के अंदर से कुछ पदार्थ निकालते हैं, जिसे कि भ्रम पदार्थ कहा जाता है, और इसे नई मूर्ति में रख देते हैं। ये परंपरा मंदिर के स्थापत्य के समय से चली आ रही है। तो इस भ्रम पदार्थ के जो पौराणिक इतिहास को है, उसको जान लेते हैं। द्वापर युग में जब श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी थी, तब उनके अंतिम संस्कार के बाद सब कुछ पंच तत्वों में विलीन हो गया था, लेकिन उनका हृदय बिल्कुल जिंदा रहा और सामान्य अवस्था में धड़कता रहा। मान्यता है कि उनका हृदय आज भी भगवान जगन्नाथ के अंदर उसी अवस्था में धड़क रहा है, जिसे कि भ्रम पदार्थ कहते हैं। और इन तीनों प्रतिमाओं का जो निर्माण पूरा नहीं हो सका, इसका जो इतिहास है, वो हम आपको जो पुरी धाम का दूसरा मुख्य मंदिर है गुंडीचा मंदिर, वहां पर जाकर आपको बताएंगे।
गुंडीचा मंदिर में ही हम आपको रथ यात्रा का इतिहास और इन तीनों प्रतिमाओं के स्थापित होने का पौराणिक इतिहास बताएंगे। अभी पहले मंदिर के अंदर और बाकी के जो मुख्य तीर्थस्थल हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। गर्भगृह में मुख्य प्रतिमाओं के दर्शन करने के बाद जैसे ही आप मंदिर से आगे बाहर निकलते हैं तो आपको यहाँ पर मंदिर परिसर में ही विमला देवी शक्तिपीठ के दर्शन भी करने हैं, और ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, और यहीं पर माँ सती की जो नाभि गिरी थी तो उसके दर्शन भी आप जरूर कीजिए। विमला देवी जी का यहाँ पर एक विशेष महत्व इसलिए भी है कि उत्कल क्षेत्र में यानी कि उड़ीसा वाली साइड दुर्गा माधव पूजा एक विशेष पद्धति है, अन्य किसी प्रांत में ऐसी पद्धति नहीं है। इस रीति रिवाज के अनुसार श्री जगन्नाथ जी को भोग लगा नैवेद्य विमला देवी को भोग लगाया जाता है और तब वे श्रद्धालुओं के बीच में महाप्रसाद माना जाता है। ये जगन्नाथपुरी धाम की मुख्य विशेषताएं आपको बता दी हैं। अभी समय 2 बजने वाला है। यहाँ पर जगन्नाथपुरी में भगवान को पहले भोग लगाया जाता है और उसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए ये भोग यहाँ पर आनंद बाजार में दिया जाता है। जगन्नाथपुरी धाम का ये भोग प्रसाद विश्व प्रसिद्ध है और आपको एक एक करके बताते हैं कि कैसे इस भोजन को भोग प्रसाद को तैयार किया जाता है और फिर अंदर जाकर आनंद बाजार से वो प्रसाद लेते हैं। तो बात करें श्री जगन्नाथपुरी में मिलने वाले इस महाप्रसाद की, इसे आनंद बाजार में दिया जाता है। जब आप अंदर दर्शनों के लिए जाते हैं तब आपको इस आनंद बाजार में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। तो ये अधिकतर यहाँ पर जो भात और खिचड़ी का भोग लगता है जिसे महाप्रसाद कहते हैं, और इसे स्थानीय भाषा में कुछ लोग अटका भी कहते हैं, और ये महाप्रसाद व्रत पर्व आदि के दिनों में भी लिया जा सकता है। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में अगर कोई भी किसी के घर में कोई फंक्शन है, किसी भी तरह का कोई समारोह है, तो इसी मंदिर से वो महाप्रसाद लोग अपने घरों में ले जाते हैं। हर तरफ यहाँ पर आपको महाप्रसाद की जो मिट्टी की बड़ी छोटी हांडियाँ दिखेंगी, जो भक्तगण हैं वो अपने खाने के लिए यहाँ से महाप्रसाद लाते हैं। अंदर ही आप यहाँ पर आनंद बाजार में महाप्रसाद का भोग लगा सकते हैं। तो इस महाप्रसाद की एक एक करके आपको विशेषताएं बताते हैं कि ये महाप्रसाद क्यों दुनिया में विश्वविख्यात है। सबसे पहले तो इस महाप्रसाद को जो बनाया जाता है वो 7 मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है। एक के ऊपर एक 7 मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि जिस मिट्टी के बर्तन को, जो कि सबसे ऊपर वाला होता है, सबसे कम आँच लगती है, वो सबसे पहले तैयार होता है, और जिस मिट्टी के बर्तन को, जो सबसे नीचे होता है, सबसे अधिक आँच लगती है, उसका प्रसाद सबसे अंत में तैयार होता है। तो ये अपने आप में एक रहस्य में है जो कि कई सदियों से इसी तरह से चलता आ रहा है। तो जो महाप्रसाद की यहाँ पर टाइमिंग रहती है वो 2 बजे से लेकर रात के, आपको जब तक मंदिर के पट बंद नहीं होते तब तक आपको ये महाप्रसाद यहाँ पर मिलता है, और मान्यता है कि ये महाप्रसाद कभी भी कम नहीं होता, कभी भी इसका कोई वेस्टेज नहीं होती। भगवान जगन्नाथ जी का भोग प्रसाद यहाँ पर बनता है। आप उस रसोई घर के दर्शन भी कर सकते हैं। जब हम मुख्य मंदिर में जाते हैं सीधे द्वार से तो उसकी बाईं तरफ आप देखेंगे जो बिल्डिंग है वहाँ पर भगवान श्री जगन्नाथ जी का रसोई घर है, वहीं पर प्रसाद बनाया जाता है। तो आप जब भी मुख्य मंदिर के दर्शनों के लिए आते हैं तो रसोई घर के दर्शन भी आप कर सकते हैं। तो महाप्रसाद अब हमारे सामने आ चुका है, इसको भी हम ग्रहण करेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और इस प्रसाद का भोग लगाते हैं। तो मंदिर के अंदर कैमरा मोबाइल अलाउड नहीं था तो इसलिए हम यहाँ पर बाहर मंदिर हमारे बिल्कुल पीछे है वहाँ पर इस प्रसाद का भोग लगा रहे हैं। अगर आप चाहें तो आनंद बाजार के अंदर ही या मंदिर परिसर में ही इस प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। तो यह भगवान का भोग प्रसादी है तो इसलिए नीचे बैठने से पहले हमने यहाँ पर पूरा साफ किया है और फिर इस जगह पर बैठे हैं। ये जो हमें मिक्स वेज की सब्जी मिली है जिसमें हमें ब्लैक चने दिखाई दे रहे हैं, इसमें ढेरों सब्जियाँ हैं। कच्चा केला भी दिख रहा है हमें, परमल की सब्जी भी दिख रही है, राई बहुत ज़्यादा डाली गई है। बेसरा उड़ीसा का एक फेमस यहाँ पर वेजिटेबल डिश है, बेसरा या बेसरा, मतलब प्रोनंसिएशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ये एक तरह से मिक्स वेजिटेबल की सब्जी है लेकिन इसमें किसी भी तरह का तड़का नहीं लगाया जाता, राई से इसको बनाया जाता है, राई डाली जाती है, कच्चा पपीता डाला जाता है। सबसे पहले तो हमें जो दिख रहा है, एक तो है ये दालचीनी वाले चावल हैं, मीठे चावल हैं बेसिकली, इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी डाला जाता है। इसके बाद यहाँ ये दाल माँ है जो कि पूरी मंदिर में मिलने वाले महाप्रसाद का मुख्य हिस्सा रहती है। इन मीठे चावलों को यहाँ पर कनिका कहा जाता है, कनिका राइस है। ये दाल माँ के बारे में जो हमें बताया गया है कि आप उड़ीसा में किसी भी जगह पर दाल माँ खा लो लेकिन जो दाल माँ का स्वाद आपको जगन्नाथपुरी धाम के महाप्रसाद में मिलेगा वह कहीं नहीं मिलेगा। सबसे बढ़िया हमें यहाँ पर लगे जो दाल चीनी वाले मीठे राइस हैं, पहली बार मैंने इसको टेस्ट किया। तो इस महाप्रसाद को ग्रहण करके हमारी आत्मा की तृप्ति भी हो चुकी है
तो अभी हम आपको आगे की यात्रा करवाते हैं पूरी धाम की। प्रसाद तो प्रसाद होता है, इसका कोई रिव्यू नहीं है, लेकिन जब भी आप जगन्नाथ पुरी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं, तो आनंद बाज़ार से आप जितना भी प्रसाद लेना चाहें वो ले सकते हैं। कम से कम आपको 100 रुपये की थाली यहाँ पर तैयार करके दी जाती है। अगर आप 3-4 जाने हैं तो इन छोटी छोटी हांडियों में आपको इकट्ठे से ही प्रसाद डाल दिया जाता है। 250 या 300 रुपये में आपका 3 से 4 बंदों का प्रसाद यहाँ पर मिल जाता है। तो श्री जगन्नाथ को यहाँ पर दिन में 6 भोग लगाए जाते हैं। तो बचपन से जो 56 भोगों के बारे में हम सुनते आ रहे हैं, वो पुरी के इसी जगन्नाथ मंदिर में प्रभु श्री जगन्नाथ को हर दिन अर्पण किए जाते हैं। 56 तरह का यहाँ पर व्यंजन बनाए जाते हैं और ऋतु के हिसाब से वो 56 भोग बदलते रहते हैं। तो एक तरह से जगन्नाथ पुरी धाम का ये महाप्रसाद बिल्कुल सात्विक है। किसी तरह का तड़का नहीं है इसमें, तेल नहीं है, लहसुन और प्याज भी नहीं है, और यहाँ तक कि जगन्नाथ पुरी धाम के इस महाप्रसाद में टमाटर का भी योग भी नहीं किया जाता, क्योंकि टमाटर को यहाँ पर विदेशी वस्तु के रूप में माना जाता है। इसके बाद मंदिर परिसर में और भी कई छोटे छोटे मंदिर हैं, उनमें से प्रमुख महालक्ष्मी जी का मंदिर है, वहाँ पर भी आपको बहुत भीड़ देखने को मिलती है। इसके अलावा जो मुख्य मंदिर है उसके बिल्कुल साथ में यहाँ पर एक प्राचीन नरसिंह मंदिर है, उसके दर्शन जरूर कीजिएगा। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की तरफ आपको जाना है और ऐसी प्रतिमा आपने भगवान नरसिंह जी की कहीं भी नहीं देखी होगी। श्री जगन्नाथ मंदिर में अंदर जाकर आप प्रभु श्री जगन्नाथ जी को दिया बाती भी दिखा सकते हैं। अंदर ही आपको मिलेगा वो 10 रुपये का 20 रुपये का दिया बाती, घी आपको साथ में दिया जाता है। जगन्नाथपुरी धाम को शंख क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे का पूरा जो जगन्नाथपुरी का एरिया है एक शंख की तरह है, ये सारे का सारा अगर आप ऊपर से देखेंगे तो एक शंख की तरह दिखता है। तो गर्भगृह में दर्शन करने के बाद बिल्कुल सामने आपको जगमोहन दिखता है, वहाँ पर गरुड़ स्तंभ है और पौराणिक इतिहास के अनुसार चैतन्य महाप्रभु उसी गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर जो विग्रह हैं उनके दर्शन किया करते थे, और कहते हैं कि उनके अश्रुधारा बहती रहती थी, जिससे कि एक नीचे गड्ढा वहाँ पर हो गया था, वो चैतन्य महाप्रभु की अश्रुधारा से वो गड्ढा भर जाता था। यहीं से चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान के अंदर समा गए थे, और जो गड्ढा उनकी अश्रुधारा से भरा रहता था उसे उस जगह को प्रेमाशुग्रुत कहते हैं। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए फिजिकल चैलेंज, यहाँ पर मुफ्त व्हील चेयर की सुविधा भी दी गई है। मंदिर के 100 मीटर की दूरी पर ही यहाँ पर आपको एक बोर्ड लगा दिखे मिलेगा, वहाँ से आप व्हील चेयर ले सकते हैं और आपको मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार तक उस व्हील चेयर तक पहुँचा दिया जाता है। इसका कोई भी शुल्क नहीं है, सिर्फ आपको अपनी जानकारी वहाँ पर फिल करवानी है और आप व्हील चेयर ले सकते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ के पूरी मंदिर के दर्शन हमने कर लिए हैं। इसके बाद पुरी के जो बाकी के तीर्थ स्थल हैं जो कि मंदिर के बाहरी क्षेत्र में हैं, उसके दर्शन करने के लिए अब हम जाएंगे। सबसे पहले हम दर्शन करेंगे यहाँ पर गुंडीचा मंदिर है, जिसका कि पुरी की रथ यात्रा के दौरान सबसे विशेष महत्व रहता है। तो बाकी के तीर्थ स्थल उनके अगर आपको दर्शन करने हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक तो आप ऑटो करके अलग अलग मंदिर तक जाएं, और दूसरा आपके पास है कि आप यहाँ पर एक्टिवा रेंट पे मिलती है, 500 रुपया लेते हैं वो पूरे दिन का, और आप पुरी के आसपास के जितने भी मुख्य तीर्थ स्थल हैं वो अपनी एक्टिवा से जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हम गुंडीचा मंदिर में पहुंच चुके हैं। पुरी के मंदिर से हमने यहाँ पर गुंडीचा मंदिर तक पहुंचने के लिए 50 रुपये शुल्क दिया ऑटो वालों ने। जब जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा होती है तो इसी गुंडीचा मंदिर में जो भगवान के श्री विग्रह है उन्हें यहाँ पर रखा जाता है। वैसे इस मंदिर में पूरे साल किसी भी तरह की कोई प्रतिमा नहीं रहती। चलिए अब अंदर जाकर यहाँ पर गुंडीचा मंदिर के दर्शन करते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये मंदिर बाहर से बंद है, यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, माथा टेकते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं, क्योंकि यह मंदिर सिर्फ प्रतिवर्ष 9 दिन के लिए खोला जाता है, जब पुरी की रथ यात्रा यहाँ पर निकाली जाती है। तो गुंडीचा मंदिर के इतिहास के बारे में जान लेते हैं, जो कि भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ा हुआ है। पूरे विश्व में पुरी की रथ यात्रा प्रसिद्ध है। रथ यात्रा का जो मुख्य इतिहास है वो कुछ इस तरह से है कि द्वारिका में एक बार श्री सुभद्रा जी ने नगर देखना चाहा। श्री कृष्ण तथा बलराम जी उन्हें पृथक रथ में बैठाकर अपने रथों के मध्य में उनका रथ करके उन्हें नगर दर्शन कराने ले गए, और इसी घटना के स्मारक रूप में यहाँ पर हर साल पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। तो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया को निकाली जाती है, जैसे कि हम जून का महीना कह सकते हैं। तो ये पुरी का एक प्रधान महोत्सव है। 3 अत्यंत विशाल रथ होते हैं। पहले रथ पर श्री बलराम जी होते हैं, दूसरे पर सुभद्रा जी और तीसरे पर श्री जगन्नाथ जी विराजमान होते हैं।
संध्या तक ये रथ गुंडीचा मंदिर तक पहुंच जाता है और दूसरे दिन भगवान रथ से उतरकर मंदिर में पधारते हैं और 7 दिन तक यहीं पर गुंडीचा मंदिर में विराजमान रहते हैं। दशमी को वहां से रथ पर लौटते हैं। इन 9 दिनों के श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को आड़प दर्शन कहते हैं। तो जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर जो प्रतिमाओं के आपको दर्शन होते हैं वो गुंडीचा मंदिर के पास ही उस मूर्तियों का निर्माण हुआ था, तो इसीलिए गुंडीचा मंदिर को ब्रह्मलोक या जनकपुर भी कहते हैं। और ये प्रतिमाएं जो अर्धनिर्मित रह गई हैं, पूर्ण नहीं हो सकी हैं, उसके पौराणिक इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। प्राचीन समय में ये पुरी का क्षेत्र उत्कल क्षेत्र कहलाता था और यहाँ पर नीलांचल नाम का पर्वत हुआ करता था जिस पर नील माधव भगवान की पूजा की जाती थी। एक मालवा देश के नरेश हुआ करते थे इंद्र घुमन, तो उस स्थान के दर्शनों के लिए यहाँ पर वो आते हैं और उसके बाद वो यहीं बसने का निर्णय ले लेते हैं। एक दिन समुद्र में एक बहुत बड़ा काष्ठ यानी कि लकड़ी बहकर आई, राजा ने उसे निकलवा लिया। इससे विष्णु मूर्ति बनवाने का उन्होंने निश्चय किया। उसी समय वृद्ध बड़ई के रूप में विश्वकर्मा जी उपस्थित हुए। उन्होंने मूर्ति बनाना स्वीकार किया लेकिन ये निश्चय कराया कि जब तक वे सूचित ना करें उनका वे ग्रह खोला ना जाए यहाँ पर ये मूर्ति बनाई जा रही है। तो राजा ने जब दरबार खुलवाया तो उसके बाद वो देखता है कि जो बड़ई था बनाने वाला प्रतिमाओं को वो अदृश्य हो चुका था और जो भगवान श्री जगन्नाथ बलभद्र और माँ सुभद्रा की प्रतिमाएं थी वो भी पूरी तरह से संपूर्ण नहीं हो सकी थी। तो इसके बाद राजा को बड़ा दुख होता है लेकिन उसी समय एक आकाशवाणी होती है कि हम यहाँ पर इसी रूप में ही स्थापित होना चाहते हैं। तो फिर राजा उन प्रतिमाओं को इसी रूप में स्थापित कर देते हैं और उसके बाद आज तक भगवान श्री जगन्नाथ की इन प्रतिमाओं का इसी तरह से सभी भक्तों को दर्शन करवाया जाता है। गुंडीचा देवी मंदिर का जो नाम है वो जो राजा नरसिंह देव थे उनकी पत्नी के नाम पर रखा गया था। उनकी पत्नी का जो नाम था, रानी का नाम था गुंडीचा देवी। तो जगन्नाथपुरी धाम के सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के बाद अब हम आपको यहाँ पर पुरी के जायकों के बारे में बताएंगे कि जब आप यहाँ पर आए तो आप क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं और कौन कौन सी वो जगहें। सबसे पहले हम उड़ीसा के ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट का आपको जायका बताते हैं। रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है ये दुकान, बहुत पुरानी दुकान है, कोई नाम नहीं लिखा हुआ है इसका। तो हमने अपने लिए यहाँ पर उड़ीसा का जो सुबह सुबह का मिलने वाला ब्रेकफास्ट है वो मंगवाया है और ये हमारे सामने पत्तल आ गई है जिसमें पूरी है, दालमा है और साथ में छेना पोड़ा है। दालमा जो है ये उड़ीसा की ट्रेडिशनल दाल है। दाल जो चने की दाल होती है उसमें ढेर सारी सब्जियाँ डाली जाती हैं। तो ये आपको यहाँ पर जो पूरी जी का महाप्रसाद है उसमें ये दालमा होती ही होती है। और ये छेना पोड़ा है, इसके बारे में हमने बहुत सुन रखा था, आज पहली बार मैं देख रहा हूँ इसको। वैसे तो ये पनीर से बनी हुई आइटम है लेकिन बाहर से आपको एक केक की तरह ये दिखता है। एक बड़ी अच्छी बात मैं यहाँ पर देख रहा था कि चाय यहाँ पर जो मिलती है और ये मिट्टी क्या कि उन्होंने पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और उसके ऊपर लगातार चाय बनती जा रही है। ये यहाँ पर छेना के मालपुआ हैं, देखने में काफ़ी टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो यहाँ पर उड़ीसा में क्या है कि आपको जो भी मिठाई मिलती है वो पनीर से बनी हुई ही मिलती है क्योंकि यहाँ पर गर्मी अधिक होती है तो शायद दही यहाँ पर खट्टा हो जाता होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं हमें पनीर की बनी हुई मिठाइयाँ ही यहाँ पर मिली हैं। जो ये मालपुआ पहली बार मैं खा रहा हूँ पनीर का और इसमें जो इलायची का टेस्ट है और मालपुए की जो सॉफ्टनेस है बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। लेकिन छेना पोड़ा जो हमने खाया है ना ये मेरे को जो मालपुआ है उससे कहीं अधिक बढ़िया लगा। एक तो आप जो इसको देखोगे केक की तरह लगेगा लेकिन अंदर से इतना सॉफ्ट है और बाहर से इसकी जो क्रंचीनेस है। जो दुकान के खुलने का समय है सुबह 7 बजे से यहाँ पर आपको ये ब्रेकफास्ट मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा उड़ीसा में आप और भी कई तरह के ब्रेकफास्ट मिलते हैं। यहाँ पर आपको छोटे छोटे ठेले मिलेंगे जिसमें पकौड़े हैं, उपमा है, ऐसे कई तरह के ब्रेकफास्ट आपको यहाँ पर उड़ीसा में मिल जाते हैं। इसके बाद अगला जो मुख्य यहाँ पर स्थल है पुरी में वो है यहाँ के बीचेस। इस जगह पर मैं खड़ा हूँ, इसे यहाँ पर स्वर्ग द्वार बीच कहा जाता है। हमारे बिल्कुल ही सामने आपको स्वर्ग द्वार दिख रहा है। स्वर्ग द्वार मुख्यतः वह स्थान है जिस तरह से काशी बनारस में मणिकर्णिका घाट है, यहाँ पर पुरी में जिसकी भी मृत्यु होती है उसे यहाँ पर स्वर्ग द्वार लाया जाता है और यहीं पर उनका एक तरह से अंतिम संस्कार किया जाता है। आप दिन में आएंगे, रात के समय आएंगे, यहाँ पर आपको चारों तरफ जलती हुई चिताएं ही मिलेंगी। तो ये एक मुख्य यहाँ पर स्थल है। अगर किसी को भी पुरी मंदिर के बाद कहीं पर भी जाना हो तो उन्हें ऑटो वाले या रिक्शे वाले को स्वर्ग द्वार बीच बोलना है। यहाँ की मार्केट जो है बहुत ही प्रसिद्ध है,
स्वर्ग द्वार बीच के साथ ही यहाँ पर गोल्डन बीच है। ये दोनों ही पुरी के मुख्य बीच हैं और शाम के समय जो यहाँ का माहौल होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। शाम के समय यहाँ पर जनता आती है, बीच पर समय बिताती है और साथ में पूरी की पूरी यहाँ पर मार्केट लगी होती है। स्वर्ग द्वार बीच और जो गोल्डन बीच है दोनों साथ साथ में ही है। और ये पूरे का पूरा जो रोड है इसको लाइट हाउस रोड कहा जाता है। लाइट हाउस के पास ही यहाँ पर आपको सभी के सभी जो मुख्य होटल्स हैं जो कि बिल्कुल सी के सामने हैं, सी व्यू होटल्स जिन्हें कहा जाता है, वो यहीं पर ही आपको देखने को मिलेंगे। एक पूरी की पूरी लाइन है इन होटल्स की। ये दोनों ही बीचेस पूरी के सबसे सुंदर और मुख्य बीचेस हैं। तो पूरी के अन्य मंदिरों के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पर गोवर्धन मठ, जिसे कि शंकराचार्य मठ भी कहा जाता है, समुद्र को जाने वाले इसी मार्ग में एक रास्ता दाएं की तरफ श्री शंकराचार्य जी के गोवर्धन मठ को जाता है। आदि शंकराचार्य जी के प्रधान चार पीठों में से जो एक मठ है, जो बाकी के तीन शंकराचार्य मठ हैं वो श्रृंगेरी में हैं, द्वारका में हैं, जोशी मठ में हैं। वैदिक सनातन धर्म को पूर्ण जीवित करने वाले आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित चार प्रमुख स्थानों में से एक है जो गोवर्धन मठ। इसके अलावा यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु 18 वर्ष रहे थे, उस जगह को पुरी में गंभीरा मठ या राधा कांत मठ कहा जाता है, उसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर से स्वर्ग द्वार जाने वाले मार्ग में एक गली आती है, वहाँ से आपको जाना पड़ता है। इसमें प्रवेश करते ही राधा कांत जी का मंदिर मिलता है। इस मठ में महाप्रभु जी का चित्र, चरण पादुका, माला आदि सुरक्षित है। अभी हम जगन्नाथपुरी धाम के उस मुख्य तीर्थस्थल पर आए हैं जिसके बिना जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा सफल नहीं मानी जाती। जगन्नाथपुरी से 20 किलोमीटर की दूरी पर ये साक्षी गोपाल मंदिर स्थित है। हाईवे पे जब आप आएंगे तो 2 किलोमीटर अंदर की तरफ आपको आना पड़ेगा, लेकिन यह जगन्नाथपुरी धाम में सबसे मुख्य तीर्थस्थलों में आता है। साक्षी गोपाल मंदिर तक आप पुरी से बसेस चलती हैं, वहाँ से भी आ सकते हैं। 40 से 50 रुपये शुल्क लेते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, खुद के वाहन से आ रहे हैं, तो यहाँ पर मंदिर के बाहर ही पार्किंग की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। साक्षी गोपाल मंदिर की जो कहानी है वो जुड़ती है वृंदावन धाम से। पुरी के पास ही विद्यानगर नाम का एक ब्राह्मण था जो कि वृंदावन जाकर दर्शन करना चाहता था। तो बूढ़ा होने की वजह से रास्ते में उसको एक युवक मिल जाता है, उसके साथ वो वृंदावन पहुंचता है। रास्ते में युवक उनकी सेहत का पूरा ख्याल रखता है। ब्राह्मण इसकी जगह उस युवक से अपनी बेटी की शादी करवाने का वादा करता है। ब्राह्मण कहता है कि गोपाल जी के सामने हम खड़े हैं वृंदावन धाम के, तो ये हमारे साक्षी हैं इस रिश्ते के लिए। बाद में जब वे ब्राह्मण घर जाता है वृंदावन धाम के दर्शन करके, तो उसके परिवार वाले इस सब के लिए ना कर देते हैं। तो फिर पंचायत लगती है, तो तब युवक फिर से एक बार वृंदावन धाम जाता है। वहाँ पर गोपाल जी को आग्रह करता है कि आप मेरे साथ गवाही देने के लिए, साक्षी देने के लिए साथ में पूरी धाम में चलें, क्योंकि आपके सामने ही ये सारा वार्तालाप हुआ था। लेकिन गोपाल जी एक शर्त रखते हैं, किसी भी जगह पर उस युवक को पीछे मुड़कर नहीं देखना। गोपाल जी उसके पीछे पीछे आएंगे, तो युवक जब पीछे मुड़कर देखता है तो जिस तरह से गोपाल जी ने वादा किया था कि वो उसी स्थान पर खड़े हो जाएंगे जहाँ पर वो युवक पीछे देखेगा, फिर सारी की संसारी पंचायत वहाँ पर आती है और लोग देखकर दंग रह जाते हैं कि भगवान श्री गोपाल जी वृंदावन धाम से पैदल चलकर उस युवक की गवाही देने के लिए आए। तो इस तरह से ये मंदिर का इतिहास है और उसके बाद यहाँ पर प्रभु साक्षी गोपाल कहलाए। पुरी के ही एक और मुख्य तीर्थस्थल पर हम आ चुके हैं, इसे यहाँ पर कहते हैं लोकनाथ मंदिर। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यहीं पर प्रभु श्री राम जी ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी जब वो वनवास के दौरान आए थे। लोकनाथ मंदिर की दूरी जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर के लगभग है। इस लोकनाथ मंदिर में आकर आप सीधा दर्शन करें। यहाँ पर साथ में पार्वती कुंड है, इस जगह पर श्रद्धालु आकर स्नान भी करते हैं। तो हम बेसिकली कर रहे हैं पूरी सर्किट को, जिसमें हम भुवनेश्वर भी कवर करेंगे और कोणार्क के दर्शन भी आपको करवाएंगे। तो इस हिसाब से जो हमें लगता है कि 2 रात और 3 दिन एक आपके लिए अच्छा विकल्प रहेगा जब आप पूरी धाम की यात्रा पर आएँ। इसमें आपका कोणार्क मंदिर भी हो जाएगा, जगन्नाथपुरी के दर्शन भी हो जाएंगे और भुवनेश्वर के दर्शन भी हो जाएंगे। तो पूरी धाम अकेले की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको 1 रात और 2 दिन काफ़ी रहेंगे, जिसमें पूरी धाम, कोणार्क और जगन्नाथपुरी के आसपास के तीर्थस्थलों के दर्शन आपको हो जाते हैं। तो यह थे भारत के 4 धामों में से एक धाम श्री जगन्नाथपुरी के दर्शन। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री जगन्नाथ।